नमस्कार, मेनुका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सादा कढ़ी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकताएं पड़ती है। सादा कढ़ी बनाने के लिए आपने 3 मग खट्टा मट्ठा लेना है और आपने 1 कटोरी बेसन लेना है, या फिर आप 100 ग्राम बेसन भी ले सकते हैं। आपने 1 छोटी चम्मच जीरा लेना है, 1 छोटी चम्मच आपने सरसों लेना है, 1/2 चम्मच आपने हल्दी लेना है, 1/2 चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच आपने धनिया पाउडर लेना है, नमक आपने स्वाद अनुसार लेना है, हींग आपने 1 चुटकी लेना है और आपने सरसों का तेल 1 करछी लेना है और आपने 2 लाल साबुत मिर्च लेना है। सबसे पहले कढ़ी के लिए घोल तैयार करते हैं। घोल तैयार करने के लिए मैंने एक गहरा सा जग ली हूँ, आप कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बेसन डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है और आपने इस मट्ठे को इस जग में डाल देना है। और आपने इस मदानी से आपने इसका घोल अच्छे से घोलना है। इसमें 2 गिलास मट्ठा और डालेंगे। इस मट्ठा को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से घोलना है ताकि इसमें गठान ना पड़े। आपने इस मदानी से इसको अच्छे से घोलना है। ये देखिए, मदानी की सहायता से हमने ये कढ़ी का घोल तैयार कर लिया है और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से घुल गया है, इसमें एक भी गठान नहीं पड़ी है। ये देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए, ये एक सार सा हो गया है और ये खूब अच्छे से घुल गया है। अब हम कढ़ी बनाते हैं। ये देखिए, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। इसके बाद आपने जीरा डालना है, इसके बाद आपने सरसों डालना है, इसके बाद आपने ये लाल मिर्च डाल देना है, इसके बाद आपने 1 चम्मच हींग डाल देना है और इन सबको आपने अच्छे से चलाना है। इसके बाद आपने ये जो तैयार किया हुआ घोल था, इस घोल को आपने इसमें छोंक लगा देनी है। आपने छोंक लगाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब तक इस कढ़ी में एक उबाल नहीं आता, तब तक आपने इस कढ़ी को यूं ही चलाते रहना है। ये देखिए, हमारे कढ़ी में एक उबाल आ गया है। अब आपने इसको धीमे आंच करके आपने इसको कम से कम 20 मिनट तक यूं ही पकाना है और आपने इस कढ़ी को बिल्कुल स्लो आंच में पकाना है। ये देखिए, 20 मिनट हो गया है और ये हमारा कढ़ी बनके तैयार हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए, हमारा ये जो कढ़ी है ये भी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सादा कढ़ी की रेसिपी बनके तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होता है। आप इसको गरम गरम चावल के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।